तो दोस्तों इस वक्त हमें बड़ोदरा के छाणी जगातनाका रोड पर ठीक जलाराम मंदिर के पास ये एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है किरण फूड पंजाबी खाना। जी हाँ, यहाँ पर आपको पंजाबी चाइनीज छोले भटूरे वगैरह सब मिलेगा, बट यहाँ पर हम स्पेशली आए हैं यहाँ की मटका दम बिरयानी जो कि काफ़ी फेमस है। तो आगे की विस्तार से जानकारी हम लेंगे अंदर चल के, तो आइए चलते हैं। तो गाइस इस वक्त हमारे साथ हैं किरण फूड पंजाबी खाना के ऑनर हरपाल सिंह जी, तो उनसे बात करेंगे। हरपाल सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। हरपाल सिंह जी कुछ बताइए आपके ये रेस्टोरेंट के बारे में जो है किरण फूड पंजाबी खाना। किरण फूड पंजाबी खाना एक्चुअली मेरी मदर का नाम है, उनके नाम से मैंने ये चालू किया है और मैंने 14 या 15 साल जॉब की है एक्सपीरियंस के साथ में, अपना फूड अपना खुद चालू किया है, लोगों को अच्छा रिजनेबल रेट से हर इंसान खा सके, एसी नॉन एसी बाहर बैठ के खा सके, अंदर एसी में खा सके, उनको सब लोग आराम से अपना भोजन पा सके, ऐसा स्वादिष्ट अपने पूर्त रूप से अच्छी रेसिपी के साथ में अच्छे बजट के साथ उनको सॉल्व कर सके और यही सबको अच्छा भोजन दे सके, अच्छा खाना दे सके, अच्छी सर्विस दे सके, कस्टमर सेटिस्फाई हो, अच्छी तरह संतुष्ट हो और अपना होटल का नाम अच्छा हो। यहाँ पर हमें कौन सी किस किस प्रकार की डिशेस खाने को मिलने वाली हैं? मटका बिरयानी है, शाही पनीर है, तंदूरी रुमाली जो दोनों रोटी अभी है गेहूँ की भी है, तंदूरी आटे से बनती है, तंदूर रोटी है, पंजाबी फूड है, चाइनीज फूड है और एक फास्ट फूड है पिज्ज़ा बर्गर या सैंडविच, ये सब। मैंने यहाँ पर आपकी जो मटका बिरयानी है वो मैंने काफ़ी सुना हुआ है, तो आज हमें उनके बारे में खास जानना है, तो आप मुझे बताइएगा उसके बारे में भी। मटका बिरयानी की रेसिपी अलग ढंग से रेडी की जाती है, एक्चुअली ग्रेवी है, ग्रीन पीस है और पनीर है, काजू है और मीडियम स्पाइसी रहती है, जो जैसे कस्टमर अपना लाइक करता है उस तरीके से उनको हम बना के देते हैं और एक स्पेशल बिरयानी तो अपने यहाँ की अच्छी है और लोगों को काफ़ी पसंद आती है। और यहाँ का जो आपका ये रेस्टोरेंट है ये इसकी शुरुआत कब हुई? इसका मैंने रात्रि बाजार में चालू किया था 2013 में, रात्रि बाजार में 9 साल मैंने वहाँ पे चलाया, फिर लॉकडाउन आया, कोरोना पीरियड में बंद चालू परिस्थिति डाउन हो गई, मार्केट डाउन हो गई और उसके चलते फिर हमने छाणी जगन्नाथ पे चालू किया। यहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिला, अच्छे कस्टमर आए, अच्छे सपोर्ट आए, 99% कस्टमर रिपीट आते हैं, उनको खाना पसंद आता है, वो उनका बहुत बड़ा। और यहाँ के टाइमिंग के बारे में कुछ बताइएगा कि यहाँ के शुरुआत सुबह कब होती है और कितने बजे तक ये रेस्टोरेंट खुला रहता है? लंच डिनर दोनों चालू रहता है, सुबह 11 से 3 बजे तक, शाम को 6 से 11 बजे तक, फैमिली टाइम ये खाने का सबसे बेस्ट टाइम है और यही टाइम मोस्टली लोग जाते हैं फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। और एक बात, क्या ये आपका जोमेटो या स्विगी पर अवेलेबल है? जोमेटो स्विगी में अवेलेबल है, जोमेटो में भी मिलता है, वही टाइम है सेम जो स्विगी में भी है, सेम टाइम। और अगर किसी को आना हो तो यहाँ का जो एड्रेस है वो कहाँ पर एग्जैक्टली पड़ता है और आपके उस एड्रेस के बारे में कुछ बताइएगा। छाणी जगातना का जलाराम मंदिर के पास ओल्ड स्टेशन रोड। और आपका कॉन्टैक्ट नंबर एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी को अगर पहुँचने में दिक्कत हो रही है तो एक बार आपको कॉन्टैक्ट करके यहाँ तक पहुँच सकता है। 8469837796। तो गाइस ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये है चाइनीज का, तो यहाँ पर सारी डिशेज जो है वो चाइनीज बनाई जाती है। फिलहाल पनीर चिल्ली बनाने की तैयारी हो रही है। इसे कितना वक्त लगेगा भैया बनने में, कितना वक्त लगेगा पनीर चिल्ली को? 2 मिनट। तो गाइस सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी है, वैसे तो सिर्फ इन्हें बनाने में 2 से 2.5 मिनट का वक्त लगेगा और शुरू हो चुके हैं भैया। और इंग्रेडिएंट्स ऐड होते जा रहे हैं।
तो गाइस अभी जो डाला वो कौन फ्लोर था? और लीजिए पनीर चिली रेडी हो चुका है। तो गाइस ये है पनीर चिली जो कि पार्सल की तरफ जा रहा है और कुछ इस तरह से आपको पैकिंग दिया जाएगा अगर आप जोमेटो से या कहीं से मंगवा रहे हैं पार्सल। मोहन भाई, मोहन भाई आप रोजाना यहाँ पर कितनी तंदूरी रोटियां लगा लेते हैं? 300 रोटियां लगा लेता हूँ। 300 से 350 रोटियां रोज लगाते हैं तो ये कम पड़ जाती है तो फिर क्या होता है? तुरंत आटा लगाना पड़ता है, तुरंत आटा नया लगाते हैं। तो गाइज मोहन भाई के हिसाब से यहाँ पर 300 से 350 रोटियां तंदूरी रोटी जो है वो रोजाना यहाँ पर बेली और बनाई जाती है। फिलहाल तंदूर पैक है, अंदर तंदूर गया हुआ है, रोटियां लगाई हुई है और कुछ रोटियां वहाँ पर तैयार गर्मा गर्म है। तो तंदूरी रोटी आप देख भी पा रहे हैं लग रही है यहाँ पर, लगाते ही तंदूरी रोटी जो है वो रेडी हो जा रही है। और उसके बाद यहाँ पर ये बटर लगाया जा रहा है, तो ये बटर लगाया जा रहा है यहाँ से निकल कर रोटी को प्लेट में रख कर के वहाँ पर बटर लगाया जाएगा। और देखिए कुछ एक मिनट के व्यक्त के दौरान तंदूरी रोटी पक जाती है। क्योंकि हमारे साथ अरविंद पाल है जो यहाँ पर गेहूं की रोटियां बनाते हैं। अरविंद भाई रोजाना कितनी रोटियां लगा लेते हैं? 300 से 400। तो यहाँ पर आप भी 300 से 400 गेहूं की रोटियां लगाते हैं और अगर वहाँ आपको भी कम पड़ गई तो तुरंत आटा लगाना पड़ता है। आप भी आटा लगा लेते हैं, क्या बात है। यहाँ पर तवा रुमाली बन रही है और आप देख रहे हैं इस तरफ तवे को जो है उल्टे की तरफ रखा हुआ है ताकि जो उसका जो उभराव है वहाँ से ठीक से सिक जाए, कहीं से कच्ची ना रहे रोटी। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रेवी है, जो तमाम पनीर की जो चीज़ें बनती है वो इस ग्रेवी से बनाई जाती है। फिलहाल आप देख रहे हैं पनीर तूफानी बन रहा है फिलहाल। तो गाइज ये है ग्रेवी जो हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले भी देखी थी। तो ये इतनी क्वांटिटी में रोजाना 30 किलो के करीब बनती है और खत्म हो जाती है। गाइज फिलहाल बन रहा है दाल तड़का, दाल तड़का बन रहा है ना? हाँ सर, दाल तड़का। तो देखिए खड़ी लाल मिर्च, हरी मिर्च, जीरा और जीरा और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी और लाल मिर्च, धनिया डाल दिया। और अब ये दाल जो तैयार थी उस पर डाल दिया गया और कुछ इस तरह से हो गया। तो ये है दाल तड़का, ऊपर से हरा धनिया। तो गाइस अभी बनने जा रहा है मटका बिरयानी, तो हम शुरू से देखेंगे उसका प्रोसेस कैसा है, क्या इंग्रेडिएंट्स है। फिलहाल कढ़ाई में तेल डल चुका है और बारीक कटा हुआ प्याज भी डल चुका है, इसे थोड़ा भुना जाएगा। कैप्सिकम कटा हुआ डल चुका है, साथ में आप देख रहे हैं हरी मिर्च बारीक। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये बॉयल मटर है, ग्रीन पीस, साथ में थोड़े से काजू डाल दिए गए तो मटका बिरयानी में उसका टेस्ट बेहतर आने वाला है। ये साथ में पनीर डाल दिया गया है और ये बारीक कटे हुए टमाटर, और अब ये सारे मिर्च को भुना जाएगा। अब हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और गरम मसाला और लाल मिर्च और साथ में कसूरी मेथी। और ये है ग्रेवी है जो ऐड कर दी गई है। मटका बिरयानी इस पे बॉइल्ड राइस डाले जाएंगे। ओके स्टीम राइस ना।
तो गाइस देखिए टेक्सचर अच्छा लग रहा है। अभी इस पर राइस डाले जाएंगे, इसमें ग्रेवी सेपरेट देते हैं। हाँ जी, उसके बाद में राइस में थोड़ा मिक्स मिक्स करते हैं, इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो ये देखिए ये मटका बिरयानी आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर स्टीम राइस है, उसे हल्की सी आंच पर फ्राई किए जाएंगे। लाइट छोटे कर लेगा तो राइस छोटे नहीं। हाँ गाइस, ऊपर से टॉपिंग में चीज डाल दिया गया है हल्का सा, कुछ रोस्ट पापड़ दो, रखो जायदा रखो। तो गाइस ये था इंग्रेडिएंट्स, ये था पूरा प्रोसेस मटका बिरयानी जो कि यहाँ बहुत ही फेमस है। तो आप देख पा रहे हैं ऊपर से देखिए अभी पापड़ भी लगा दिया गया है, तो कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। हो गया आपका दो पनीर टिक्का पहले। ये है किरण फूड की पंजाबी थाली जो आप देख पा रहे हैं, और ये मात्र 140 में आपको यहाँ पर 3 बटर रोटी, साथ में पापड़, राइस, दाल मिलेगी और 2 सब्जी जिसमें रहेगा छोले और साथ में पनीर की सब्जी। और यही चीज़ अगर आप अनलिमिटेड में जाएंगे तो 190 रुपये मात्र आपको मिल जाएगी, साथ में आपको यहाँ पर सलाद और छाछ भी मिल जाएगा जो आप देख पा रहे हैं। तो गाइस ये है यहाँ का छोले भटूरे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं भटूरे पूरी तरह से फूल चुके हैं, पक चुके हैं। साथ में देखिए गाढ़ी ग्रेवी से आपको छोले भी देखने को मिलेंगे। और ये है यहाँ का सलाद, 130 में आपको छोले भटूरे यहाँ के मिलेंगे बेहतरीन स्वाद में। तो आप एक बार यहाँ पर आकर के छोले भटूरे भी ट्राई कर सकते हैं, आपको मज़ा आने वाला है। मेरा नाम है भानु प्रताप यादव। कितने समय से आप आ रहे हैं यहाँ पर किरण फूड में? जी मैं लगभग 1.5 साल से ऊपर ही हो गया, 1.5 साल से लगभग पकड़ के चलो आप। तो मोस्टली क्या है कि हम ब्रजवासी हैं और उत्तर भारतीय मोस्टली ज़्यादातर पनीर की सब्जी पसंद करते हैं, दूध दही के खाने वाले होते हैं, इससे हम पंजाबी खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो पंजाबी खाने में जब मैं सबसे पहले फर्स्ट टाइम सिंगल आया, फिर बच्चों के साथ भी आया फैमिली के साथ, तो हमारी फैमिली और मुझे सबको यहाँ के किरण फूड का जो खाना है सबसे बेस्ट वो पनीर की सब्जी का है, पनीर टिक्का, वो ऑल द बेस्ट है। और मैं मोस्टली जब मेरे पास कभी समय कम होता है तो मैं पार्सल करके भी लेके जाता हूँ, ऐसा है। आमतौर पर आप पनीर के अलावा यहाँ पर क्या खाना पसंद करते हैं? पनीर टिक्का बेस्ट है और दाल तड़का अच्छा है, और ये जो मटका बिरयानी है वो भी अच्छी है। तो जो जो भी इनके यहाँ का जो थाली की सिस्टम से भी है और दोनों प्रकार से है, तो जो भी खाना है मोस्टली क्या है कि एक तो कम मसाला रखते हैं, ये घर जैसा खाने का स्वाद है इनके यहाँ का। और मैं तो जब से आया हूँ तो मोस्टली इसी होटल का खाना पसंद करता हूँ, और अपना इनका कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है, एक आम नागरिक के हिसाब से मतलब नॉर्मल ही है, साफ सफाई भी अच्छा है, आपको देख ही रहा होगा ये सब टेबल, और यहाँ का जो इनका स्टाफ है वो सर्विस अच्छी है, फास्ट सर्विस है, साफ सफाई भी अच्छा है, पार्सल लेके जाओगे तो प्रॉपर तरीके से पार्सल होता है, जो भी सुविधा है वो अच्छी सुविधा है, ये कुल मिला के। तो गाइस इस वक्त हमें किरण फूड के इसी डाइनिंग एरिया में फिलहाल आप देख पा रहे हैं भीड़ काफ़ी है, हर टेबल पर पब्लिक बैठी हुई है, आपको कहीं भी कोई भी टेबल खाली नहीं मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर कॉर्नर पर भी एक टेबल है वो भी फुल है। कुल मिला करके जो हॉल है वो पूरी तरह से भरा हुआ है और कुछ लोग बाहर वेट कर रहे हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर वेट भी करना पड़ता है। और ये आप देख रहे हैं
दोस्तों ये था किरण फूड जो कि बड़ोदरा के छानी जकात नाका रोड पर स्थित है। इसका ठीक एड्रेस बताऊं तो छानी जकात नाका के पास जलाराम मंदिर है। जलाराम मंदिर के ठीक पास में आप किरण फूड पाएंगे और जिस किसी को भी यहाँ का पंजाबी डिश या छोले भटूरे ट्राई करना हो तो एक बार ज़रूर आ सकता है। आपको यहाँ पर टेस्ट का मज़ा आने वाला है, साथ में आपको फास्ट फूड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, पिज़्ज़ा बर्गर पाव भाजी वगैरह, तो ज़रूर ट्राई करें किरण फूड।